अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। साल 2018 किस तरह से भौगोलिक स्तर पर परिवर्तन लाने वाला है। इस समय मीडिया में भूकंप को लेकर के बहुत सारी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। हम आपको बताएंगे इस भविष्यवाणी का सत्य क्या है। क्या 2018 में पूरी धरती प्राकृतिक भूकंप से दहल उठेगी? क्या होगा 2018 में इस पूरे संसार का? देखिए हमारी ये विशेष भविष्यवाणी। पिछले कुछ महीनों से 2018 में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी का समाचार सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। काशी के विद्वानों ने भी ऐसे ही भीषण भूकंप आने की भविष्यवाणी की है। नारदी संगीता के मयूर चित्रण में वर्षा, उल्कापात, महामारी, दैवीय प्रकोप और भूकंप के कुयोग के बारे में वर्णन मिलता है। 2018 में महाभूकंप का योग भी 29 और 30 मई 2018 को बन रहा है। अगर राहु से मंगल सातवें हो, मंगल से बुध पांचवें हो, चंद्रमा से बुध चौथे हो या केंद्र में कहीं भी हो तो महाभूकंप के योग बनते हैं। 29 और 30 मई 2018 को ऐसे ही भूकंप के योग बनते दिख रहे हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। इस भूकंप के योग के अनुसार भारत सहित उत्तर पूर्व और दक्षिण के देश में बड़ा भूकंप आ सकता है। अब तक जो भी भूकंप आए हैं वो इसी योग में आए हैं और अधिकतर भूकंप पूर्णिमा, प्रथमा या अमावस्या तिथियों में ही आए हैं। वैज्ञानिकों ने भी की भूकंप की भविष्यवाणी। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की बैठक में ये भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति में आ रही कमी के कारण 2018 में उष्णकटिबंधीय इलाकों में विनाशकारी भूकंप आ सकता है। भारत भी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में होने की वजह से खतरे की जद में है। अब तक जब जब पृथ्वी की परिक्रमण गति में कमी आई है तब तब विनाशकारी भूकंप आए हैं। जब जब ऐसे हालात होते हैं तब तब एक के बाद एक करके 15 से लेकर 25 तक भूकंप के झटके लगातार आते हैं। ये भूकंप लगातार एक के बाद एक करके आते हैं। पृथ्वी के कोर में बदलाव। जब पृथ्वी की परिक्रमण गति धीमी होती है तब पृथ्वी के कोर में बदलाव होता है। सामान्य तौर पर पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है और स्थिर तारों की परिक्रमा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले चांद के ज्वारीय प्रभाव के कारण समय समय पर परिक्रमण गति धीमी होती रहती है। ये कमी कुछ मिलीसेकंड प्रतिदिन के हिसाब से होती है। इसकी गणना परमाणु घड़ियों द्वारा की जाती है। ये घड़ी ही पिछले 4 साल से इस बात की गणना कर रही है जिसके कारण 2018 को भूकंप से होने वाले महाविनाश के तौर पर देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के रोजर बिलहम और यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्टाना के रेबेका बेंडिक के अनुसार भी इस बार पृथ्वी की परिक्रमण गति धीमी होने की सामयिक प्रक्रिया 4 साल पहले से शुरू हो चुकी है। अगर इसके कारण भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 7.5 मैग्नीट्यूड से अधिक हो सकती है जो कि पूरी दुनिया के विनाश के लिए काफी होगा। अगर भूकंप का एपिकसेंटर समुद्र हुआ तो भयंकर सुनामी आने की भी संभावना है। तो दर्शकों, हम आपको ये आगाह करना चाहेंगे कि ये भविष्यवाणी मात्र है और वैज्ञानिक आकलन भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये महज एक आकलन है लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। जो तिथियां हमने बताई हैं और जो समय हमने बताया है उस पर आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम सभी दर्शकों को, संसार भर के दर्शकों को 2018 की मंगल कामनाएं देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप हमें अपना संदेश 7905414965 पर दे सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। नमस्कार।